और मेरे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग? मुझे तो लगता है आप लोग अच्छे ही होंगे, अच्छे होने भी चाहिए, क्योंकि क्या है ना, अब कुछ मिंडकियाँ जो है ना, दूसरी वाली कम उछल रही है, थोड़े कमेंट्स कम आ रहे हैं निगेटिव वाले, तो अच्छे ही होंगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जब बुरे थॉट्स आते हैं ना, तब इंसान ऐसे सब कुछ करने लगता है। वैसे एक बात बताओ, गलती तुम लोगों की नहीं है, गलती उसकी है जिसके छत्र छाया के नीचे तुम लोग पल रही हो, क्योंकि गलत इंसान के साथ गलत ही होता है भैया, सिंपल सी बात है। चलो अच्छा है, क्यों हमेशा से निगेटिव ही बोलना है, कभी कभी अच्छी बातें भी कर लिया करो। वैसे जो है वो बोला तो बुरा तो बहुत लगता है इंसान को, है कि नहीं? सच्चाई जाहिर हो जाती है भैया, छुपती नहीं है, आ ही जाती है सामने। आई तो देखा कैसे नेले पे देहले की तरह उछलने लगी है मैडम, ऐसे लगता है जैसे कि अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या कम्युनिटी डालूँ, अब मैं क्या वीडियो बनाऊँ। अरे आएंगे आएंगे, 20-25 वीडियोस आएंगे, हम थोड़े से बिजी क्या हो गए भैया, ये तो बेईमान मक्कार हो गए सीधे सीधे। चलो अच्छी बात है, इसी से तो गुजारा चलता है, क्या करें। लेकिन ये हंसी की बात थी भैया, मुझे तो मतलब मैं हंस हंस के लोटपोट हुई थी। काफ़ी टाइम बाद जब मैं फुर्सत से जब मैंने YT पे टाइम दिया उस दिन, और मुझे जब पता चला कि इतनी जद्दोजहद के बाद भी इतने सब्सक्राइबर बढ़े हैं, बस तो मतलब नीचे गिर के हंसना बाकी रह गया था। मुझे तो, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था कि कुछ बड़ा ही आंकड़ा निकलेगा सब्सक्राइबर्स का, लेकिन पता चला कि अरे अरे अरे, हम तो रेगुलर है भी नहीं YT पे। जब मुझे वीडियोस मिलते तभी डालती हूँ मैं, जब मुझे टाइम मिलता है एक्चुअली मैं तभी डालती हूँ, अगर मैं रेगुलर रहूँ तो फिर क्या ही कहने। चलो कोई नहीं, बढ़ो आगे बढ़ो, कछुए की चाल की तरह बढ़ते रहो बढ़ते रहो, लेकिन ये कछुआ कभी जीतेगा नहीं, इसकी गारंटी तो हम खुद लेंगे। आगे बढ़ना है ना तो खुद के दम पे बढ़ो, या कुछ खुद का करके बढ़ो। दूसरों को रोस्टिंग और कम दिखा के आगे बढ़ोगे ना, तो दूसरे ही आगे बढ़ेंगे, और ये मतलब प्रूफ हो गया कि जिसके लिए इतना कोसा जा रहा था, जिनके लिए इतना बोला जा रहा था, वो कुछ अच्छे से आगे बढ़ गए हैं। और जो ये सब कर, ये कोसने वाली बातें, नीचे दिखाने वाली बातें, घटिया बातें, वो जहाँ है वहाँ ही है, और ट्रस्ट में वो वही रहेगी, वो कभी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि डिमीन और इतनी मतलब गंद अंदर से निकलती है ना, सामने वाले को पता चल जाता है, डोंट वरी। चलो अच्छा है, लेकिन फिलहाल बहुत उड़ रहे हैं लोग, क्योंकि रोज़ के 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। अच्छी बात है यार, मैं तो कहती हूँ 4 हज़ार सब्सक्राइबर्स पे 10-10 हज़ार व्यूज़ आए। हाँ आए ना, क्यों ना आए, अवेयरनेस जो कर रही है, और अवेयरनेस इतनी अच्छे से कर रही है, इतने अच्छे से जान लगा के, कि मतलब YT पे करियर बने इसका, बस यही तो एक एजेंडा बाकी रह गया है, करियर बने YT पे, अवेयरनेस पे, फिर लोग इसे कॉलेजेस में बुलाए, ये लेक्चर्स दे कि मिट्टी कैसी नहीं खानी चाहिए, मिट्टी के नुकसान, ऐसे सारे सपने अगर देख रखे हैं ना इसने, ऐसे ऐसे पटकी जाए ना ज़ोर से ये ज़मीन पे, क्योंकि इसका एजेंडा थोड़ा सा सही था ज़बरदस्ती वाला, लेकिन इसका तरीका बहुत गलत है, ये सबको पता है। चलो सही है, जो करना है वो करे, अच्छे से करे, उसमें तरक्की दे इसको भगवान, और क्या बोल सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी ज़रूर खुश हुई थी, क्योंकि जब खुद पे बात आती है ना, तो इंसान को बड़ा बुरा लगता है। दूसरों के बारे में इतना बोलती थी, इतना बोलती थी, खुद के घर में इतनी गंद है, खुद की फैमिली में इतनी गंद है, अरे 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 अरे, हंस हंस की तो हालत ख़राब हो गई मेरी। हंसी मुझे बस इस पे आती है, मुझे इसके फैमिली मेम्बर्स से कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी वो न्यूज़ मुझे किसी ने दी थी, स्क्रीनशॉट मुझे किसी ने शेयर किए थे, ना ही मैं इससे इसके शहर से हूँ, ना इसकी फैमिली को जानती हूँ, और ना ही कुछ, तो मेरा कोई लेना देना भी नहीं। किसी ने मुझे बताया, किसी ने कुछ शेयर किया, तो मैंने रख दिया। और कोइंसिडेंस ऐसा कि मुझे 3 लोगों ने बताया, तो ऑब्वियसली बात कुछ तो होगी ही ना, ऐसे ही थोड़ी ना। बट आई एम तो रेडी बाबा, फेक न्यूज़ इतनी आने वाली है मेरे बारे में, मुझे पता है, क्योंकि देखो ना, जैसे मैंने कम्युनिटी पे डाला, इसने मेरे बारे में कम्युनिटी पे डाल दिया, उसके लिए इसकी लायक ही नहीं है मेरी फैमिली के या फैमिली मेम्बर के बारे में बोलने की, और ना ही औकात, औकात की बातें तो ये ना करे तो सही है, नहीं है इसकी, ये इसको भी पता है, कुछ भी कर ले ये नहीं बढ़ सकती आगे, ना दिखने में, ना रहन सहन में, ना फैमिली में, ना हेल्थ में, ना वेल्थ में, ये कभी मुझसे बेटर नहीं हो सकती, ये बातें उसने बोली थी। मैंने बोला अच्छा करो भाई घमंड, हम तो घमंड करने वालों में से नहीं है, इतनी गंद, इतना मतलब
घमंड जब आता है ना इंसान को कि हम बेटर है, तो चलो अच्छा है, रहो उस बेटर वाली ज़िंदगी में। हम नहीं बोलेंगे, वर्ड्स से ज़्यादा हमारे एक्शंस विल स्पीक। जिस तरीके से हम भी बात करते हैं और जिस तरीके से हमारे वीडियोस होते, समझ आ जाता है लोगों को, हर किसी को। आओ इंस्टा पे आईडी दो, यहाँ बात नहीं करेंगे, वहाँ बात नहीं करेंगे। अरे दोगले इंसान, पहले बोला था मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मैं किसी के बारे में वीडियोस नहीं बनाऊँगी, ये मेरा खुद का कंटेंट है। और कंटेंट क्या, इसने वीडियो डाली, चार वीडियो इसकी आ गई, इसने कम्युनिटी डाली, चार वीडियो इसकी आ गई। ले, इसका कंटेंट, इसका वीडियो, इसका चैनल ही दूसरे पर डिपेंड है। बदलो, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही। अब दो चार दिन हो गए, मैंने एक छोटी सी बच्ची को स्लेट पेंसिल हाथ में देखा है और वो ऐसे चबाने की कोशिश कर रही है। अब मुझे ये बात बताओ, ये अंधी है। अगर वो उस चैनल वाली, जिसका भी चैनल है, उसको क्यों नहीं बोलती, उसके इस पे वीडियो क्यों नहीं बनाती। वो बहुत छोटी बच्ची है, एक डेढ़ साल की भी नहीं, उससे भी छोटी, एक साल की बच्ची है, और वो हाथ में स्लेट पेंसिल लेके ऐसे मुंह में डालने की कोशिश कर रही है, तो ये उस पर वीडियो क्यों नहीं बनाती। मतलब अवेयरनेस ही फैला रही है ना, तो छोटे बच्चों पे बनाए, अब तो वो सीख रहे हैं, उनको सीखने से पहले ही रोक देना तो तभी अवेयरनेस होगा। लेकिन नहीं, ये ऐसे लोगों को नहीं पकड़ेगी, क्योंकि जिस बंदी का ये चैनल है उस पर सिर्फ 200-400 कुछ तो सब्सक्राइबर्स होंगे। भैया 40,000 कहा, 200-400 कहा, फ़र्क पड़ता है। 2,000-4,000 भी 40 में से आ जाए तो भी इसकी चांदी है, और यही तो कोशिश है, इसके सब्सक्राइबर्स खींचो, उसके सब्सक्राइबर्स खींचो। लेकिन डोंट वरी डार्लिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। लोगों को दिमाग होता है ना, लोग अपना दिमाग घुटने में तुम्हारी तरह लेके नहीं चलते, तुम्हारा तो एडियो के नीचे से निकल चुका है, स्वर्गवासी हो चुका है। लोग अपना दिमाग अपने पास रखते हैं। हम भी कर सकते हैं भैया, इसको टारगेट, उसको टारगेट, लेकिन हमें करना नहीं है, क्योंकि किसी पे वीडियो बनाना, किसी को हरास करना, एक ही इंसान को जब कॉन्स्टेंटली हिट करते हो ना, उसको टारगेट करना ही होता है, बुली करना ही होता है, और इसमें तो तू माहिर है भाई, तो चलो अच्छी बात है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिसको तू टारगेट कर रही है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और तुम हो के पीछे पीछे ही आओगी। ये तो लाइफ टाइम का प्लान है, इसको टारगेट करो, उसको टारगेट करो, जब तक जान है तब तक टारगेट करते रहो। बाप रे बाप, ऐसे लोगों को नींद भी कैसे आती है। चलो सही है, तुम किसी और को टारगेट करो, हम तुमको करेंगे। क्योंकि क्या है ना, कोई तो चाहिए ना जवाब देने के लिए, और हम है तो भाई आखिर तक रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। नई वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून, नई वीडियो ज़रूर आएंगी एक और दो दिनों के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, स्टे ट्यून। कुछ नई रिक्वायरमेंट हो, रिक्वेस्ट हो, तो ज़रूर बताना। टेक केयर गाइस।